तो श्रीनगर से गुरेज वैली लगभग 5 घंटे आपको लगेंगे पहुंचने में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे अभी गिव अवे चल रहा है जो कि जून के एंड तक चलेगा, और उस गिव अवे में मैंने बहुत ही आसान से 5 सवाल पूछे जिसके आपको जवाब देने हैं। तो अभी तक बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है, तकरीबन 200 से 250 मेल मुझे अभी तक आए हैं और अभी भी आ ही रहे हैं। तो ये जून एंड तक चलने वाला है, और जो भी विनर होगा वो गोवा, मनाली या कश्मीर जाएगा, इन तीनों में से उनके पास ऑप्शन होगा। तो उनको कहाँ जाना है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं 3 गिव अवे विनर अनाउंस करूँगा। वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऑर्बिट प्लेसेस जो कि ऑर्बिट हैं और ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते हैं, लेस एक्सप्लोर्ड हैं और बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो 5वें नंबर पे मैंने रखा है कलगा विलेज को। तो कलगा विलेज जाने के लिए आपको पहले कसौल पहुँचना पड़ेगा, और कसौल आने के लिए आप दिल्ली से बहुत सारी वोल्वो बसें चलती हैं, तो आप कसौल तक पहुँच जाओ वोल्वो बस से, या फिर जो बस अगर आपको कसौल के लिए डायरेक्ट बसें नहीं मिल रही हैं तो आप मनाली वाले बस में भुंतर तक आ जाओ, और वहाँ से फिर आप जो गवर्नमेंट वाली बसें चलती हैं उससे आप वहाँ तक कसौल तक जा सकते हो। और कसौल से 20 से 22 किलोमीटर आगे और एक प्लेस है बरसैनी, वहाँ तक जाना है आपको। फिर वहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके आप जाओगे तो आप कलगा विलेज पहुँच जाओगे। बहुत ही पीसफुल विलेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है, और वहाँ पे एक से एक कैफेज हैं स्टे करने के लिए, और बहुत एक्सपेंसिव जगह भी नहीं है, बहुत सस्ती जगह है, तो और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप कलगा जा सकते हो, और कलगा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। 4th नंबर पे मैंने रखा है तीर्थन वैली को। तीर्थन वैली भी बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ से तीर्थन रिवर निकलती है और वो भी बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है। तीर्थन वैली जाने के लिए आपको मनाली वाली बस लेनी है वोल्वो, और वहाँ से आना है ऑट टनल तक। ऑट टनल तक आ जाओ या ऑट तक आ जाओ, टनल क्रॉस करके आप वहाँ पर उतर जाओ, फिर ऑट से आप लोकल बस से आप तीर्थन वैली जा सकते हो। तो इस रूट में बहुत ही कम बसें चलती हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली बसें नहीं चलती हैं, तो अगर आप वहाँ पे चाहो तो बाइक वाइक रेंट कर लोगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको वहाँ पे घूमने में। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, किसी भी रिवर साइड आप रिजॉर्ट में रुक जाओ, होम स्टे में रुक जाओ, कैंप में रुक जाओ, बहुत मज़ा आएगा। और तीर्थन वैली भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप तीर्थन वैली भी जा सकते हो, और तीर्थन वैली भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। और जो 3rd विलेज है वो है मालीनोंग विलेज जो कि पड़ता है मेघालय में, बहुत ही छोटी सी विलेज है और बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, ये भी बहुत ही पीसफुल जगह है। एंड इन दिस विलेज यू कैन फील द ऑथेंटिक कल्चर ऑफ मेघालय। तो अगर आप कभी भी मेघालय जाते हो तो आप मालीनोंग विलेज जरूर जाओ, और यहाँ पहुँचने के लिए आप बाय फ्लाइट जा सकते हो गुवाहाटी तक, फिर गुवाहाटी से बाय रोड आपको शिलोंग होते हुए वहाँ तक पहुँचना है। शिलोंग होते हुए आप वहाँ पे जा सकते हो, इजीली बसें आपको मिल जाएंगी। अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो फिर भी आप गुवाहाटी तक पहुँचो, फिर गुवाहाटी से फिर आपको बसें मिल जाएंगी जाने के लिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप शिलोंग भी रुक जाओ 1-2 दिन, शिलोंग घूमने के बाद फिर वहाँ से फिर आप मालीनोंग विलेज घूमने चले जाओ। एंड नाउ द 2nd नंबर पर मैंने रखा है 0 वैली को। 0 वैली अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ पे भी पहुँचने के लिए आपको पहले गुवाहाटी ही आना पड़ेगा बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन कैसे भी, फिर वहाँ से आप बाय बस भी जा सकते हो ओवरनाइट जर्नी करके, या तो फिर वहाँ से आप बाय ट्रेन नाहरलगुन करके एक जगह है अरुणाचल प्रदेश की, टाउन है छोटी सी, वहाँ पे आप बाय ट्रेन जा सकते हो, फिर वहाँ से बाय बस आप 0 वैली तक जा सकते हो। 0 वैली भी बहुत ही लेस एक्सप्लोर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप चाहे वहाँ पर कभी भी चले जाओ, साल में कभी भी आपको वहाँ पे क्राउड नहीं मिलेगा। तो वो जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऑफबिट है, लेस एक्सप्लोर्ड है। तो आप अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में आप 0 वैली भी जा सकते हो। वैसे तो अरुणाचल में तवांग, मेचुका बहुत से फेमस प्लेसेस है। 1st नंबर पे मैंने रखा है गुरेज वैली को जो कि है कश्मीर में। तो गुरेज वैली जाने के लिए आपको श्रीनगर जाना है, श्रीनगर से 140 किलोमीटर गुरेज वैली है। तो वहाँ से श्रीनगर आप पहुँच जाते हो, वहाँ से फिर बाय टैक्सी या फिर अगर आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, बसें उस रूट में ना यार बहुत कम चलती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं चलती हैं। तो और गुरेज वैली जो है वो और कश्मीर ट्रैवल करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, मैंने लास्ट ट्रैवल किया था, तो आपको अगर वहाँ पे कश्मीर घूमने में आपको खर्चे होंगे। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे एक वहाँ के वहाँ पास में एक विलेज है तुलैल विलेज जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो तुलैल विलेज पे, वो विलेज देख सकते हो। बाकी आप वहाँ से एक नदी निकलती है किशन गंगा, वहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। एक बहुत ही फेमस कैफ़े है लॉग हट कैफ़े, आप वहाँ जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें करने को, और गुरेज वैली इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है गुरेज वैली। नॉर्मली अगर कश्मीर लोग जाते हैं तो श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग घूम के आ जाते हैं। वैसे तो इंडिया में न जाने कितने ऑर्बिट प्लेसेज हैं जो कि आज भी अनटस्ड हैं, अनएक्सप्लोर्ड हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको अपने हिसाब से टॉप 5 प्लेसेज बताए हैं,
और आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अपने ट्रिप प्लान करने में, अगर आप कभी और भी ट्रैवल करना चाहते हो। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।